दोस्तों नमस्कार। बहुत सारे आप लोगों के प्रश्न आ रहे थे कि सर बकरियों में दस्त चलते चलते ही हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में जब दस्त हो जाए तो हमें क्या खिलाना चाहिए। देखिए कई बार दस्त ऐसी होती है जब बकरियां खाना पीना करती रहती है लेकिन दस्त करती रहती है। वहां अगर आपने फूड मैनेजमेंट सही कर दिया यानी फीड मैनेजमेंट, तो उस फीड मैनेजमेंट के बल पर ही आप बकरी को ठीक कर सकते हैं। कई भाइयों को क्या पता नहीं है कि क्या खिलाना चाहिए और अंधाधुंध ये खिला दो ये दे दो वो दे दो के चक्कर में मामला खराब हो जाता है और दस्त जो कम हो रहे थे वो ज्यादा हो जाते हैं। छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताऊं, कल मेरे पास एक पशुपालक भाई का फोन आया। उनके पास 70 से 80 बकरियां हैं लेकिन फिर भी उनको इस चीज का ध्यान नहीं था। उन्होंने कहा कि सर मैंने पिछले महीने मेरी एक बकरी को दस्त हुई थी, किसी भाई ने मुझे मीठा सोडा बताया, मैंने मीठा सोडा दिया, बकरी ठीक हो गई। लेकिन परसों मेरी बकरी को दस्त हुई थी, मैंने मीठा सोडा दिया, उससे दस्त ज्यादा हो गई। तो भाई ये गणित तो पीएच की है जो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, लेकिन यहां पर आपको खिलाना क्या है ये सोचिए। आपको पता नहीं है कि पीएच ज्यादा हो रही है या कम हो रही है, छोड़ दीजिए उसको, कोई टेंशन नहीं है। आप ना तो पीएच ज्यादा करने वाली चीजें दें और ना ही कम करने वाली चीजें दें, यानी आप अनाज खली दाना मिश्रण उसका 2 दिन के लिए बंद कर दीजिए। यानी दाना मिश्रण आपको उस बकरी को नहीं देना है जिसको कि दस्त हो रहे हैं। अगर इंडाइजेशन की वजह से दस्त है तो ठीक हो जाएगा, किसी भी तरीके का अगर पेट में एसिडोसिस एल्कलोसिस की वजह से दस्त है तो ठीक हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं रहेगी। इसके अलावा जब आप नहीं देंगे तो खिलाएंगे क्या? दूसरी चीज और बता देता हूं, हरा चारा भी नहीं खिलाना है। और जो सप्लीमेंट देता है ना, किसी ने कैल्शियम दिया, किसी ने लीवर टॉनिक दिया, किसी ने कुछ किसी ने कुछ, हाँ सीमित मात्रा में लीवर टॉनिक तो जरूर चल जाता है, लेकिन सप्लीमेंटेशन जो करते हैं मिनरल मिक्सर बढ़ा दो, ये कर दो वो कर दो, ये सीसी दे दो वो दे दो, ऐसे में डायरिया कम होने की बजाय बढ़ सकता है। तो जिस बकरी को दस्त हो रहा है उसको ये चीजें भी नहीं देनी है। इसके अलावा हरा चारा नहीं देना है, ये विशेष ध्यान रखिएगा। अगर दस्त हो रहे हैं तो 2 दिन के लिए उसका हरा चारा दाना मिश्रण बंद कर दीजिए। अब क्या करें, कमजोरी तो आएगी लेकिन उसको कंप्लीट ठीक करने के लिए जरूरी भी है। तो देंगे क्या, तो आपको देना है सूखा चारा। जी हाँ, उसको सूखा चारा ही खिलाइए, उसका डाइजेशन अपने आप सेट हो जाएगा। सूखे चारे में आप कुछ भी खिला सकते हैं जो भी आपके पास उपलब्ध हो, लेकिन एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास लौंग पत्ती है जिसको हरी पत्ती बोलते हैं, तो हरी पत्ती आप 30% लीजिए। 30% आपके पास कोई भी दलहनी चारा है, चना मूंगफली वगैरह, वो ले लीजिए। और 30% में आप अगर मान लो दूसरी चीजें नहीं है तो भूसा ले लीजिए या कोई सा भी चारा आप ले लीजिए। कहने का मतलब 30 से 50% आपको हरी पत्ती यानी लौंग जरूर मिलाना है। ये मिलाओगे ना तब कंप्लीट समस्या आपकी दूर हो जाएगी और बकरी को ठीक होना ही पड़ेगा। उसके बाद जो भी हमने मेडिसिन वगैरह बताई है, कई देसी नुस्खे बताए हैं, वो भी आप साथ में यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये खान पान सही कीजिए तभी आप दस्त को रोक पाएंगे। इसके अलावा अगर आप बकरी पालन में अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हैं तो बकरी पालन की ऑनलाइन सेशन शुरू हो गए हैं जो कि 1 तारीख से शुरू हो रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर दीजिए, जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं इन पर व्हाट्सएप करके बिल्कुल ज्वाइन करना आसान है। रामावत एनिमल ऐप जो कि आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, 1234 OTP है, उसमें एंट्री हो जाएगी, सीधा गॉड क्लास या गॉड डिजीज में आ जाइए, सारी समस्याएं सॉल्व।